हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो उस दिन हमने वीडियो बनाया था, लाइव आए थे, तो हम कह रहे थे कि यज्ञोपवीत संस्कार में जा रहे हैं तो माला बना रहे थे, तो लाइव आएंगे तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो इस वजह से हम नहीं आ पाए लाइव। तो वीडियो बनाया था और दो दिन से डाल भी नहीं पाया। पहले सोच रहे थे नहीं डालेंगे, फिर हमने सोचा आज डाल दें। पहले डाला था तो उसमें आवाज़ थी थोड़ा ड्रांस की, तो कॉपीराइट क्लेम आ गया था, इस वजह से फिर वीडियो को हमने डिलीट किया और दोबारा से एडिटिंग करके दोबारा से डाला। ये हो रहा है यज्ञोपवीत संस्कार, जिसको उपनयन संस्कार भी कहते हैं। जैसे पहले होता था, लोग गुरुकुल में रहते थे और वहाँ पर पढ़ाई शिक्षा पूरी करके घर आते थे, तो वही शिक्षा पढ़ने के लिए जाते थे बाहर। वही है, मतलब अब नहीं कोई बाहर जाता है गुरुकुल में, तो पर वही है सब कुछ, संस्कार वही सब हैं होते हैं। भिक्षा मांगते थे तब के बच्चे, शिष्य जो होते थे वही खाना बनता था, वही है। आज नानी भाभी दादी बुआ बहन जितने भी सभी लोग होते हैं, सब लोग भिक्षा देते हैं लड़की को। तो इसी में चावल और दाल होती है चने की, उसको डालते हैं, ये मखाना के गरी गोला और पैसों की माला डालते हैं और कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, ऐसे ही सब होता है। तो वही हम कर रहे हैं क्योंकि हम रिश्ते में भाभी लगते हैं, तो भाभी मौसी सभी लोग, सभी जिसको डालना होता है सब लोग डालते हैं और उसको भिक्षा देते रहते हैं। वो श्लोक भी लड़का ही बोलता है, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोग ने देखा होगा वो तो जानते होंगे, कुछ लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो कमेंट में बताएं कि हमने पहली बार देखा है ये यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार जिसको कहते थे। शिक्षा शास्त्र में पढ़ाया जाता है बी ए में, इंटर में, इसके विषय में। बाद में मिठाई खिलाना रहता है, टीका लगाना रहता है, और जो भी मान्य जिसके होते हैं, मतलब वो अपने वो वरण करता है, मतलब सबको पैसे देता है। तो हम तो खुद वहाँ मामा के यहाँ गए थे, मतलब तो वो हमारे मामा लगते हैं, तो हम खुद उनके माने थे, तो उन्होंने हमारी किया था, पैर छुए थे, पैसे दिए थे। तो अब इसके बाद लड़का जाता है वहाँ काशी पढ़ने के लिए, तो उसमें खड़ा वीडियो बन गया था और हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसमें जा रहे हैं तो उसमें मामा इसके होते हैं, मामा मामी रोकते हैं, तो जा रहे हैं। अब इनके मामा रोके थे, फिर इनको अंगूठी पहनाया था, जिसके जो होता है वो अपना देता है, कोई पैसे देता है, कोई अंगूठी देता है, घड़ी पहनाता है, अपने अपने अनुसार जिसके जो होता है वो देता है। तो फिर बच्चे को, मतलब फिर अपने लड़के को लौटा लिया जाता है कि मत जाओ, आ जाओ वापस। फिर उसके बाद ये हो रहा है डांस, इसी यही डांस था, तो इसकी आवाज़ है थी तेज, तो इसी वजह से कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो हमने इसकी आवाज़ धीरे करके कर दिया है। अब बताइए कौन सा किस गाने पर डांस कर रहे हैं लड़के, तो कमेंट करके बताएं, वो तो जान गए होंगे, कुछ ना कुछ तो जान ही गए होंगे कि किस गाने पर डांस कर रहे हैं सारे लड़के। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज, और कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। क्योंकि हम अपना अक्सर काउ मिल्किंग का वीडियो डालते थे, अब काउ मिल्किंग तो है नहीं, देती नहीं है, तो उसका डालते नहीं है वीडियो, तो आज हमने ये डाल दिया है। तो कमेंट करके बताओ ये पंप भरने वाला कौन सा डांस है, किस गाने पर डांस कर रहे हैं, गेस करो और कमेंट करो। और जो लोग पहली बार ये देख रहे हो मेरा वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और यज्ञोपवीत संस्कार के बारे में जो जिनको पता हो, जिन लोगों ने देखा हो तो वो कमेंट करें, जो लोग ना जानते हो वो भी कमेंट करें। तो अगर आप लोग सपोर्ट करते रहो दोस्तों। और फिर उसके बाद हो गया है डांस ख़त्म, इसके बाद यहाँ हो रहा है तिलक, उधर चढ़ रहा था, उधर डांस कर रहे थे सभी लोग, तो ये सब लोग बैठे हुए थे, तो इसका वीडियो बनाया हमने। भागीरथी लान में था, शुक्लागंज में, ये देखो बढ़िया सजावट थी, सभी लोग वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं। अब तिलक चढ़ गया है, सब लोग उतर गए हैं, उसके बाद हमने बनाया था, सब फल वगैरह रखे हैं, कपड़े वपड़े रखे हैं, सब कुछ रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।